नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। कुछ समय से ब्लड क्लॉटिंग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और ये जानलेवा भी साबित हुए हैं। ऐसे में आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी कौन सी बेहद जरूरी जानकारी हमें देने वाले हैं, आइए देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जानलेवा साबित हो सकती है, कहीं आपके शरीर में भी ब्लड क्लॉट्स तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आपके शरीर में भी नसें जाम तो नहीं हो रही हैं। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग की। जी। क्या है ये ब्लड क्लॉटिंग और कितनी नुकसानदायक है ये हमारे लिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है। आमतौर पर लोग शायद इससे इतना ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं होगी ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। तो पहले तो मैं जनरली मैं बता दूं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, और ख़ास तौर से आपने देखा होगा जब कहीं चोट लग जाती है शरीर में, तो वहाँ खून बाहर निकलता है, खून बहने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खून बंद हो जाता है। वो बंद क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हमारे ब्लड के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि ब्लड का क्लॉट वहाँ बन जाता है, लेकिन ये बाहर जब बहता है ये क्वालिटी उसके लिए है। कुछ लोगों में एक प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है कि जब शरीर के अंदर ही उनका ब्लड है तो वहाँ पर क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है, ब्लड के अंदर कुछ थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं थ्रोम्बस। और इस ब्लड क्लॉटिंग का जो रोग है इसको कहते हैं, इसको थ्रोम्बोफिलिया भी इसका नाम दिया जाता है। शरीर में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हर जगह पर जाना चाहिए, हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को। एक छोटी सी जो कोशिका एक सेल है वहाँ तक भी ब्लड का पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके माध्यम से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है। लेकिन यदि ब्लड के अंदर क्लॉट बनने शुरू हो जाएँ, थक्के बनने शुरू हो जाएँ, तो क्या होगा? बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। वो नालियों में जब जाएगा, मान लो हार्ट की नाली में वो क्लॉट चला गया, तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। ब्रेन में अगर चला गया तो ब्रेन का स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिसिस का स्ट्रोक आ जाएगा। और जिस भी हिस्से में क्लॉट है तो ब्लड सप्लाई वहाँ कम होने से वहाँ पर पेन होता है। मान लो टांग में आपके खून की सप्लाई नहीं जा रही तो टांग में दर्द होगा, नंबनेस होगा, कभी कभी उस हिस्से में परमानेंटली डैमेज भी हो जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है इसको लाइटली नहीं लेना है। क्या क्या लक्षण हैं इसके, कैसे आपको समझ आएगा या क्या इसका उपचार है, इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और आयुर्वेद से जुड़िए, क्योंकि आयुर्वेद में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में अगर उनको इंक्लूड करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, क्या ब्लड क्लॉटिंग के लक्षण आसानी से पता चल जाते हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, यदि हार्ट में ब्लॉकेज होगी तो उसका लक्षण आपको क्या होगा कि चेस्ट में पेन होगा, घबराहट हो जाती है, कई बार हार्ट बीट आपकी तेज़ होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ लोगों को पसीना आ सकता है, ये सब लक्षण आपको दिखेंगे। इसी तरह से अगर लंग्स में जो सप्लाई जा रही है वहाँ पर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको सांस खींच करके आएगा, या फिर जो है थोड़ा सा काम करने पर आप थक जाएंगे। टांगों के अंदर जो है अगर क्लॉटिंग हो गई है तो वहाँ पर क्या होगा कि टांग में आपको दर्द होगा, या फिर वो सुन्न हो जाएगी, नंबनेस वहाँ हो जाएगी। जिस हिस्से में खून की सप्लाई नहीं पहुँच रही है वो कई बार काला भी पड़ जाती है, वो जगह वहाँ पर उसकी, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसलिए जो है ये आवश्यक है कि आप अपने शरीर के जो भी, शरीर में छोटी मोटी भी कोई भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं उसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए। देखिए, लक्षण तो बहुत छोटे छोटे से हैं, अगर जैसा मैंने बताई कि कहीं पर थोड़ा सा सुन्न हो गया है तो आप ध्यान ही नहीं देंगे उस पर, कभी कभार आपके चेस्ट में हल्का सा जकड़ाहट होगी, पेन होगी, आप ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इसको निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि ये संकेत हो सकता है किसी गंभीर समस्या का। हमारे शरीर में कहीं पर भी आपको छोटा मोटा, इवन आपको सिर दर्द भी अगर होता है, सिर दर्द को आमतौर पर लोग निगलेक्ट कर देते हैं, गोली खा लेते हैं, कई बार लोग उसको बस कुछ नहीं करते उसके लिए, लेकिन उसको समझना है। और ख़ास तौर से अगर सिर दर्द आपको बार बार अगर आ रहा है तो इसलिए कोई भी समस्या हो छोटी नहीं समझना है उसको, आयुर्वेद से जुड़ना है। सेहत का नंबर आपके पास है, नहीं है तो अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, कॉल करिए,
हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं, आपको समझाएंगे भी, आयुर्वेदिक उपचार भी बताएंगे, और अगर आपको कोई रोग है तो उसका आयुर्वेदिक इलाज भी वो करेंगे। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, राजेश हैं जींद से, पूछिए राजेश जी सवाल। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, ये सब प्रॉब्लम ये है, माता जी को मेरे माता जी के पेट में हल्के हल्के दांत से बन गए हैं, गट्ठे से। अच्छा, गांठ बन गई है पेट में। कितनी सारी? काफी सारी गांठ है, एक दो है? तीन चार हैं, तीन चार। और उसमें दर्द होता है क्या? दर्द होता है, उनको खाना खाते टाइम बहुत दर्द होता है, पानी पीते टाइम दर्द होता है, जब उसमें बॉडी में टच होता है अंदर की तरफ। तो कितनी उम्र है उनकी माता जी की? 53 ईयर्स है। अच्छा, देखिए ये जो गांठों का जो भी मसला होता है ना, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। आपको मालूम है ना, गांठें कई प्रकार की होती हैं, खतरनाक गांठें भी होती हैं, और ख़ास तौर से पेट में गांठें हो रही हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक लिम्फ होता है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो काफ़ी सारी क्लिंजिंग करता है। कई बार लिम्फ की गांठें बन जाती हैं, पेट में अगर कुछ है तो और दूसरी गांठें भी हो सकती हैं। तो एक तो सबसे पहले कम से कम एक अल्ट्रासाउंड तुरंत करा लीजिए, देर मत करिए इसमें, और अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ क्लैरिटी नहीं आती है तो हो सकता है आपको और फर्दर टेस्टिंग भी उसका करना पड़े। दो तरह की गांठें होती हैं, एक फैट की गांठें होती हैं, लाइपोमा जिसको कहते हैं, लेकिन लाइपोमा में आम तौर पर तकलीफ नहीं होती, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि खाना खाने में भी उनको तकलीफ हो रही है, पानी पीने में भी तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब वो केवल बाहर जो गांठें दिख रही हैं वही नहीं है, शायद अंदर भी कुछ कहीं ब्लॉकेज हो रहा है उनको। तो इसमें बिल्कुल भी देर मत करिए, पहले पूरा एक चेकअप कराइए, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करिए, और उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे कि उसमें क्या करना है और किस तरह से उपचार उसका हम कर सकते हैं। ये जो है इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर चौहान, ब्लड क्लॉटिंग किन किन लोगों में इसकी होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं और क्या कारण इसके पीछे है? देखिए बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, कारणों की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक भी होती है, यानी कि जिनके परिवार में ये रोग चला आ रहा है उनको ये हो सकती है। केमिकल मेडिसिन एक बहुत बड़ा कारण है, कुछ लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, किसी रोग के लिए खा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, या फिर लंबे समय तक आप सेडेंटरी रहते हैं। कई बार हो गया ना, कोई रोग ऐसा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, 3 महीने तक आप लेटे हुए हैं बिस्तर पर, उसके कारण भी ये होता है, या पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, वहाँ वो बेड पर लेटना पड़ता है उनको लंबे समय तक। मोटापा इसका एक बहुत बड़ा कारण है, फैट जब बॉडी में होगा तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लड में मिक्स होगा, जिसको हम आम बोलते हैं अपने आयुर्वेदिक भाषा में। प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड क्लॉटिंग होती है आमतौर पर, और कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, ऑटो इम्यून आपने सुना होगा, जहाँ इम्यून सिस्टम आपको अटैक करता है, उसमें भी देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स अगर आप सेवन करते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेती हैं, उसके कारण भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। एड्स का रोग अगर है, इन्फेक्शन आपको HIV का इन्फेक्शन है, उसके कारण भी हो सकता है। और कई बार चोट लगने पर या सर्जरी आपने कोई कराई, उस पोस्ट सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, उसके कारण भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो अपच यदि है, बहुत सरल सा रोग है इनडाइजेशन, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, अपच रहती है, आम बनता है, लेकिन हम उसको जो है सीरियसली नहीं लेते, या हम कफ वर्धक भोजन बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैवी ग्रीजी ऑयली भोजन खाते हैं, जंक फूड का सेवन यदि आप करते हो, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हो जिसमें केमिकल्स डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे डले हुए हैं, ये भी इसका कारण बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं या इनसे जुड़े हुए हैं इन कारणों से, और अंदर आपके क्लॉटिंग बन जाए, एक दिन पता चला कि कहीं हार्ट अटैक ही आ गया एकदम से आपको, और आप कहेंगे कि कोई तकलीफ तो थी नहीं, अचानक से कैसे हो गया। तो कभी ना कभी जो है हमें अल्टीमेटली आना वहीं पड़ता है, हमारा भोजन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा माइंड, हर लेवल पर हमको अपने आप को रोज़ एटलीस्ट एक दिन में एक बार थोड़ा सा एग्जामिन जरूर करना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेद से जुड़ने पर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या खत्म हो जाती है, खतरा कम हो जाता है? जी देखिए, आयुर्वेद जो है ये, इसको आम तौर पर लोग समझते क्या हैं कि आयुर्वेद एक जड़ी बूटी है, कुछ लोग समझते हैं आयुर्वेद केवल कुछ घरेलू नुस्खे हैं, और स्पेशली आज के युग में जो आयुर्वेद की छवि है
वो लोगों ने ये बना दिए कि आयुर्वेद कोई कॉस्मेटिक है, काफ़ी सारी क्रीम है, बालों के लिए कुछ ऑयल है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या समझते हैं, कोई सप्लीमेंट है, भाई आप ले लीजिए, अश्वगंधा खा लीजिए, ब्राह्मी की टेबलेट खा लीजिए। लेकिन मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ और ये मैं आपको ये बताता रहूँगा जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझ जाएंगे कि आयुर्वेद कोई ये सरल चीज़ नहीं है, कोई डिटॉक्स का सिस्टम नहीं है, कोई इम्यूनिटी बढ़ाने का सिस्टम नहीं है, ये सब तो आयुर्वेद करता ही है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई। लेकिन जो आयुर्वेद की असली पहचान है और जो रियल पावर, जिसको रियल शक्ति हम आयुर्वेद की कहते हैं, स्पेशली आज के युग में, क्योंकि आज के युग में इतनी सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, इलाज कुछ हो नहीं रहा, तो वो है आयुर्वेद का जो चिकित्सा वाला पार्ट। आयुर्वेद एक मेडिकल सिस्टम है और जीवा में हम लोग आयुर्वेद को एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा इसी, हमारा संकल्प यही है कि हम इसको एज ए मेडिकल सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर रहे हैं हम इसको। और जीवा में इसलिए हर रोग का जो डायग्नोसिस हम करते हैं वो शास्त्रीय तरीके से भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स भी अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं। अब तो आजकल तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वहाँ तक भी हम जो है जा रहे हैं, डेटाबेस में भी जा रहे हैं। रोग की परीक्षा तो हम करते ही हैं, साथ में रोगी की परीक्षा भी की जाती है, फिर उसके बाद मूल कारण का पता लगाया जाता है, कहाँ से जड़ कहाँ शुरू हो रही है, और उसके बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती है, डाइट बताई जाती है, लाइफस्टाइल बताया जाता है, पंचकर्म चिकित्सा आपकी की जाती है, उसके साथ साथ मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग, ये कंप्लीट आपको कहें तो 360 डिग्री प्रोग्राम जीवा में हम आपको पूरा ऑफर करते हैं। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो एक कंप्लीट होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है। तो ब्लड क्लॉटिंग की आज हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आयुर्वेदिक इलाज आपको करवाना चाहिए, जीवा से जुड़ना चाहिए। और मैं आज के जीवा मंत्र में यही आपको कह रहा हूँ कि जितना आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे उतना ही आप और अधिक स्वस्थ भी रहेंगे और जागरूक भी बनेंगे। आपको अपने प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आप अपनी प्रकृति को समझेंगे, अपने मन को समझेंगे, अपने नेचर को समझेंगे और उसके मुताबिक आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 01294040404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मूंगफली खाना क्यों है फायदेमंद और इसको खाने का क्या है सही तरीका, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।